हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट लेक्चर में हम स्टडी कर रहे थे एंथर के स्ट्रक्चर्स या एंथर में पोलन ग्रेन की डेवलपमेंट कैसे होती है उसके बारे में हमने स्टडी किया था। आज हम जो माइक्रोस्पोर मदर सेल बने थे, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था एमएमसी या पीएमसी पोलन मदर सेल, उससे क्या बना, चार जो माइक्रोस्पोर बने थे, माइक्रोस्पोर बने थे उससे। वो माइक्रोस्पोर अलग अलग हो जाते हैं, वो भी आपको बताया था वो आपस में अटैच किससे होते हैं, कैलोस से होते हैं, और जो कैलेस एंजाइम होता है उनकी वॉल को ब्रेक डाउन कर देता है, वो बाद में अलग अलग हो जाते हैं। वो अलग अलग माइक्रोस्पोर जो बन जाते हैं वो क्या होते हैं, पोलन। तो अब हम पोलन का स्ट्रक्चर या पोलन वर्क किस प्रकार से करता है वो हम स्टडी करेंगे। तो पोलन क्या है, अपना मेल गैमेटोफाइट जहां पे मेल गैमेट की डेवलपमेंट होती है, वो डेवलपमेंट हम इस लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स, क्या है पोलन, जैसे ही यहां पे अलग हुआ तो हम एक माइक्रोस्पोर या जो यंग जो एंथर है उसको यहां पे मैं बना रहा हूं, सॉरी पोलन है तो उसको बना रहा हूं पोलन। ठीक है, जैसे जिस मदर सेल से जो डिवाइड होके न्यूली जो डेवलप्ड है उसकी बात कर रहा हूं यहां पे, तो इसमें क्या होता है, ये न्यूक्लियस है इसका यहां पे, और बाहर इसकी एक लेयर होती है एक्जाइम, इंटरनल लेयर जो इसकी होती है एक होती है स्पोरोड्रम की लेयर होती है दोनों इंटाइम, और ये इसके अंदर न्यूक्लियस होता है, बिल्कुल जो ताजा जो बना है पोलन ग्रेन उसकी बात हम कर रहे हैं। अब यहां पे क्या होता है, मदर सेल का जो पार्ट है जहां पे मदर सेल ने डिवाइड किया है वहीं पे ही क्या होता है, यहां पे माइटोसिस होती है। माइटोसिस किसकी होती है, न्यूक्लियस की। पोलन ग्रेन के अंदर जो ये न्यूक्लियस है इसके अंदर क्या होता है, माइटोसिस होती है, सेल डिवीजन होती है माइटोसिस। अब न्यूक्लियस की हो रही है उसको क्या बोलते हैं, कैरियोकाइनेसिस। क्या बोलते हैं, कैरियोकाइनेसिस, डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस। तो यहां पे क्या बन जाता है, दो न्यूक्लियस बन जाएंगे, ये दोनों बाहर की लेयर है, मैं सिंपल बना रहा हूं उसको बाद में देखेंगे कैसा होता है। तो एक न्यूक्लियस और दो न्यूक्लियस, ठीक है, एक न्यूक्लियस तो ये हो जाता है इसका जनरेटिव न्यूक्लियस, और इस दूसरे को बोलते हैं ट्यूब न्यूक्लियस या वेजिटेटिव न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं, जनरेटिव न्यूक्लियस या वेजिटेटिव न्यूक्लियस। स्टूडेंट्स, यहां पे ध्यान आपने रखना, ये किसके अंदर की बात है, जहां पे माइक्रोस्पोर बना है अभी तक वो एंथ्री की जो पूरी जो बॉडी है अभी बाहर नहीं निकल रही, वहीं की बात है, यहां पे इसने दो न्यूक्लियस बना लिए। आगे जाके क्या होगा, ये जनरेटिव सेल है, ये जनरेटिव न्यूक्लियस है, ये भी एक सेल के अंदर होगा जिसको हम जनरेटिव सेल कहेंगे, वो जनरेटिव सेल भी आगे फिर माइटोसिस करेगी, दो सेल के अंदर डिवाइड हो जाएगी, वो हम आगे इसके अंदर स्टडी करेंगे। तो शुरू में यहां पे क्या होता है, न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है, दो न्यूक्लियस बन जाते हैं, एक तो क्या है जनरेटिव न्यूक्लियस, दूसरा कौन सा है ट्यूब या वेजिटेटिव न्यूक्लियस इसके अंदर फॉर्म हो जाता है। अब देखिए स्टूडेंट, यहां मैंने इसकी जो स्ट्रक्चर की बात की है, एंथर का इसका जो पोलन ग्रेन का जो स्ट्रक्चर है, इसमें मैंने लेयर एक तो एक्जाइम एक इंटाइम, और बीच में इसका इंटरनल पार्ट है जिसमें साइटोप्लाज्म या दूसरे केमिकल्स न्यूक्लियस वो सारे स्टोर्ड होते हैं। तो यहां पे होता क्या स्टूडेंट, ये जो लेयर है इसकी स्पोरोड्रम की लेयर होती है, स्पोरोड्रम एक तो एक्जाइम दूसरी इंटाइम, एक्जाइम एंड इंटाइम, एक तो है एक्जाइम दूसरी कौन सी है इंटाइम लेयर। ये बाहर वाली जो लेयर है यहां पे ये क्या है एक्जाइम, और जो इंटरनल जो है ये क्या है इंटाइम। इनकी भी आगे अलग अलग लेयर्स होती है, वो हम जब पोलिनेशन स्टडी करेंगे तो इनकी अलग अलग लेयर के बारे में स्टडी करेंगे। तो जो एक्जाइल लेयर होती है बहुत ही प्रोटेक्टिव इन नेचर होती है, बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है पोलन को ये, और ये किससे बनी होती है
स्पोरो पोलिनिन। आपको मैंने बताया था टेपिटम क्या बनाता है, किसकी हेल्प करेगा, स्पोरो पोलिनिन, जिससे ये लेयर बनी होती है। उसके अलावा इसमें क्यूटीन भी प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? क्यूटीन। एक्साइन जो लेयर है वो किससे बनी होती है? स्पोरोपोलिनिन एंड क्यूटीन से। दूसरी जो इंटाइन लेयर है ये किससे बनी होती है? एक्टिन एंड सेलुलोज से। पेक्टिन एंड सेलुलोज से। तो ये किससे बनी है? स्पोरोपोलिनिन एंड क्यूटीन, और ये किससे? पेक्टिन एंड सेलुलोज। अब स्टूडेंट्स यहां पे एक्साइन के बारे में आपको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक्साइन जो लेयर होती है बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव होती है, जो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द स्पोरोपोलिनिन। जो स्पोरोपोलिनिन है स्टूडेंट्स यहाँ पे, स्पोरोपोलिनिन क्या करता है? स्पोरोपोलिनिन यहाँ पे करता है, ये पूरी पूरी जो लेयर होती है जो एक्साइन की, उसको बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव होती है। एक ऐसा मेटीरियल है स्पोरोपोलिनिन, अभी तक कोई भी एक ऐसा एंजाइम या किसी प्रकार का केमिकल नहीं मिला है जिससे हम स्पोरोपोलिनिन को डीजनरेट कर सके, यानी स्पोरोपोलिनिन को ब्रेक डाउन कर सके। ऐसा कोई भी अभी तक एंजाइम या केमिकल हमारे को नहीं मिला है जिससे स्पोरोपोलिनिन को ब्रेक कर सके, हम उसको तोड़ सके। तो बहुत ही प्रोटेक्टिव इन नेचर है ये, और पोलिन को बचा के रखती है, पोलिन की वायबिलिटी बढ़ाने में भी, और दूसरे जो प्रोटेक्शन है जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं उनसे भी प्रोटेक्शन ये करवाती है स्पोरोपोलिनिन। तो स्टूडेंट आपने स्पोरोपोलिनिन के बारे में याद रखना है। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने दूसरा जो एक्साइन जो लेयर है, ये जो मैंने बाहर जो लेयर बनाई है एक्साइन, एक्साइन क्या है? एक्साइन में क्या होता है स्टूडेंट्स, सॉरी एग्जाइन में स्टूडेंट्स क्या होता है, यहाँ पे कुछ जगह पे स्पोरोपोलिनिन वीक होती है, कुछ जगह पे स्पोरोपोलिनिन वीक होती है। नेक्सीन या नेक्साइन जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं, वो हम जब पोलन जर्मिनेशन सॉरी जो पोलिनेशन पढ़ेंगे तब आपको बताएंगे, वहां पे वीक होती है। ये वीक इसलिए होती है ताकि बाद में जब पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन हो तो पोलन ट्यूब वहां से निकल सके, छोटे छोटे पोर इसके अंदर एरप्चर्ड होती है वहां से, ये ताकि वहां से जो पोलन ट्यूब अंदर से बनेगी वो इसके अंदर से बाहर की तरफ निकल सके। तो ये स्पोरोपोलिनिन या एक्साइन लेयर के बारे में है। दूसरा कौन सी है? इंटाइन। इंटाइन किससे मिली है? पेक्टिन एंड सेलुलोज से। पेक्टिन ये अंदर वाली लेयर जो है पेक्टिन और सेलुलोज से बनी होती है। इसमें यहां पे क्या है? ये जर्म पोर का पॉइंट है। जर्म पोर वो जर्मिनल पोर है जहां से जर्मिनल ट्यूब या पोलन ट्यूब है वो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द पोलिनेशन, जब पोलिनेशन हुई है पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर जाएगा, स्टिग्मा के ऊपर जाके गिरेगा, उस टाइम क्या होगा, ये जब स्टिग्मा के ऊपर गिरेगा उस टाइम ये पोलन ट्यूब जो निकल के आपको याद होगा ऐसे स्टिग्मा यहां पे गिरेगा तो यहां पे पोलन ट्यूब बनती है, वो पोलन ट्यूब इसी की बनती है और ये पोलन जर्म पोर से ही निकलती है। तो इसको क्या बोलते हैं? जर्मिनल पोर या जर्म पोर। तो यहां दो लेयर है, ये पोलन का स्ट्रक्चर है, एक एक्साइन लेयर है एक इंटाइन लेयर है। ये तो मैंने सिंपल आपको इसके जो जो ये इसके अंदर क्या है इसका न्यूक्लियस है, आप इसको एक को ट्यूब न्यूक्लियस बोल सकते हैं, दूसरा न्यूक्लियस यहां बना है इसको क्या बोल सकते हैं? जनरेटिव न्यूक्लियस जो अभी आपको बताया है। तो दो न्यूक्लियस यहां पे प्रेजेंट है, जनरेटिव एंड वेजिटेटिव न्यूक्लियस। ये तो इसके सिंपल जो स्ट्रक्चर्स है वो आपको बताया भी, इसकी लेयर क्या काम करती है, कितनी प्रोटेक्टिव होती है। स्पोरोपोलिनिन बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव लेयर है जो इनको प्रोटेक्ट करके रखती है। अब स्पोरो इसके अंदर जो इसके अंदर डिवीजन कैसे होती है, पूरी जो पोलन ग्रेन होता है उसके अंदर जो सेल डिवाइड किस तरह से करती है या इसके अंदर क्या काम होता है वो हम स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स स्पोरम और एक्साइन के बारे में आपको पता लग गया। अब क्या है, अब मैंने आपको बताया था ये एक क्या है, एक्साइन लेयर है, इंटरनल इसके कौन सी लेयर आएगी, इंटाइन एक्साइन एंड इंटाइन, एक्साइन और दूसरी लेयर यहां पर बना रहा हूं दोबारा,
एंड वेजिटेटिव न्यूक्लियस, दो न्यूक्लियस यहाँ पे प्रेजेंट है। अब क्या होगा, यहाँ पे सेल की फॉर्मेशन होती है, होता क्या है यहाँ पे, एक सेल तो होती है, यहाँ सेल फॉर्मेशन हो जाती है और ये एक न्यूक्लियस ये है, ये बाहर इसके एग्जाइन लेयर में बना, तो रफली मैं बना रहा हूं इसी आपको बता दिया एग्जाइन कौन से एंजाइम कौन सी है। तो ये जो सेल है ये तो यहां पे है वेजिटेटिव सेल, कौन सी सेल है ये वेजिटेटिव, और ये जो बनिया सेल ये कौन सी है जनरेटिव सेल, कौन सी सेल है वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल, ये कंडीशन है यहाँ पे जनरेटिव सेल एंड वेजिटेटिव सेल। जनरेटिव सेल कौन सी है ये याद रखना, जनरेटिव सेल वो है जो न्यूक्लियस बनाएगी, मेल गैमीट बनाती है, मेल गैमीट भी दो बनते हैं फिर से डिवाइड करेगी, मैंने पहले भी आपको बताया था ये दोबारा डिवाइड करेगी, और ये वेजिटेटिव सेल कौन सी है ये पोलन को गाइड करती है एंड पोलन ट्यूब में आगे आगे उसका मेटीरियल पूरा फ्लो करता रहता है, पोलन को जो मेल गैमीट होंगे उनको गाइड करेगी आगे एंटर करने के लिए फीमेल गैमीट के अंदर, जो फीमेल ओव्यूल जो होता है उसके अंदर एंटर करने के लिए पार्ट गाइड करता है, न्यूट्रिएंट्स भी यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। और ये जो जनरेटिव सेल है ये वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में ही फ्लोट कर रही होती है, ये बात नोट कर लेना, जनरेटिव सेल किसमें फ्लोट कर रही है, जो वेजिटेटिव सेल का साइटोप्लाज्म है उसी के अंदर फ्लोट कर रही होती है। तो ये आपने याद रखना है, दो सेल है, एक जनरेटिव सेल है, दूसरी कौन सी है वेजिटेटिव सेल है। शुरू में क्या हुआ, न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, न्यूक्लियस दो न्यूक्लियस बने, माइटोसिस हुई वहां पे, एक न्यूक्लियस कौन सा बना जनरेटिव न्यूक्लियस, जनरेटिव का मतलब याद रखना जिससे मेल गैमीट बनेगा। अब यहां पे क्या होगा, टू सेल स्टेज को आप बोल सकते हैं, टू सेल स्टेज, उसके बाद क्या होता है ये जो जनरेटिव सेल है ये फिर से डिवाइड कर जाती है, जनरेटिव सेल डिवाइड अगेन एंड फॉर्म टू सेल, डिवाइड इसने क्या दो सेल इसने बना ली, मैं सिंपल सा इसको बना रहा हूं, देखिएगा ये दो सेल तो यहां पे बनी है, ये वाली न्यूक्लियस थोड़ा सा, ये दोनों सेल इसी से क्या दो सेल, अब सेल्स कितनी बनी, वन टू थ्री, ये कौन सी सेल है थ्री सेल स्टेज। तो एंजियोस्पर्म के अंदर कुछ एंजियोस्पर्म में थ्री सेल स्टेज आती है, कुछ में टू सेल स्टेज आती है, जब मैच्योर जो एंथर होता है उसके अंदर लगभग एंजियोस्पर्म में क्या होता है थ्री सेल स्टेज होती है, कुछ में क्या होती है टू सेल होती है। अब होती ये डिवीजन बाद में होगी होगी, ये भी याद रखना, ये मत सोचना कि टू होगी तो उसके बाद डिवीजन नहीं होगी, पोलन अगर कुछ में अगर टू सेल स्टेज है मैच्योर हो गया पोलन और रिलीज हो गया उसके बाद वो स्टिग्मा पे चला गया, स्टिग्मा पे जब वो गिरेगा उस टाइम वहां पे ये डिवीजन फिर से ये डिवीजन होनी ही होनी है, या तो यही हो जाएगी जैसे थ्री सेल स्टेज बनी, या क्या है ये एंथर के ऊपर जब स्टिग्मा के ऊपर जाके जब ये गिरता है उस टाइम ये डिवीजन हो जाती है। तो यहां से जो गैमीट इतने बन गए, दो जनरेटिव सेल बनी है तो दो टू मेल गैमीट यहां पे बन गए, टू मेल गैमीट की फॉर्मेशन यहां पे स्टूडेंट्स हुई है। इसको आपने ध्यान से पढ़ना है, एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ना, आपको नोट्स मैंने अलग से भेजे उनको अच्छे से पढ़ना है। आपने पहले क्या हुआ है न्यूक्लियस की डिवीजन हुई है, उसके बाद क्या हुआ सेल की डिवीजन हुई है, जनरेटिव सेल बनी है, जनरेटिव सेल से ही मेल गैमीट बनता है और जनरेटिव सेल ही आगे डिवाइड करती है। इसको आपने ध्यान से इसको स्टडी करना है। दो इसकी लेयर है, एक्साइन है इंटाइन, एक्साइन के भी आगे पार्ट है इंटाइन के भी, वो हम स्टडी जब पोलिनेशन पढ़ेंगे, जब हम वहां पर फर्टिलाइजेशन देखेंगे उस टाइम उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो ये पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर है, या पोलन ग्रेन अब मैच्योर हो गया, अब पोलन ग्रेन क्या करेगा यहाँ पे रिलीज होगा, पोलन ग्रेन क्या होगा रिलीज होता है, कल मैंने बताया था ये मैच्योर होके वो जो एंडोथीशियम की लेयर है वो रप्चर हो जाती है, जो फाइब्रस या अल्फा सेलुलस की हमने बात की थी, अगर कहीं पे नाम फाइब्रस की बात आए फाइब्रस लेयर, तो वो अल्फा सेलुलस की हमने जो बात की थी थिकनिंग ऑफ द अल्फा सेलुलस, वो आप उसमें
क्या है, रप्चर हो जाते हैं, टूट जाते हैं और वहां से पोलन रिलीज होने लग जाते हैं। उस पॉइंट को स्टोमियम कहते हैं, लाइन ऑफ डेहिसेंस एट स्टोमियम जो बोला था। अब ये पोलन वहां से रिलीज होगा इस फॉर्म के अंदर, या तो 2 cell stage के अंदर हो जाता है या 3 cell stage के अंदर रिलीज होता है। तो स्टूडेंट्स ये हमें स्टडी करना है, आप इसको हमने स्टडी करना है। उसके बाद आपको छोटा सा जो टॉपिक है वो और बता देता हूं, इसी के अंदर भी एड कर देते हैं, जो डेहिसेंस ऑफ पोलन। इस जैसे मैंने इसको लास्ट लेक्चर में भी आपको बता दिया था, पर मैं थोड़ा दोबारा बता देता हूं। अब पोलन क्या हो गया, मैच्योर हो गया है, तो यहां पे क्या था, ये आपके जो पोलन सेक थे इसी प्रकार से थे ना, यहां ये जो स्टोमियम है ये लाइन ऑफ डेहिसेंस है, या फिर इसको क्या बोलते हैं, स्टोमियम। स्टोमियम यहां से क्या है, एंड इसके अंदर बहुत सारे पोलन मैच्योर हो गए। पहले यहां पे मैंने कल भी बताया था, यहां पे आपको 2 थीका दिख रहे थे, अभी एक ही रह जाता है बाद में मैच्योर जब एंथर हो जाता है। यहां से ये क्या हो जाता है, रप्चर हो जाता है और पोलन बाहर की तरफ रिलीज होने लग जाता है। पोलन बाहर की तरफ रिलीज यहां से होता है, बहुत सारे पोलन जो अलग स्ट्रक्चर पोलन के मिलते हैं आपको, वो यहां से रिलीज होते हैं। और पोलन का जो रिलीज होता है उसको क्या बोलते हैं, डेहिसेंस ऑफ द एंथर, डेहिसेंस ऑफ द पोलन। ये रिलीज होगा, टूट जाएगा यहां से, ठीक है, कहां से, एंथर से, ठीक है। तो ये यहां से रिलीज हो जाएंगे एनवायरमेंट के अंदर, एनवायरमेंट के अंदर रिलीज होकर आगे पोलिनेशन प्रोसेस से करवाएंगे। पोलन के कुछ सिग्निफिकेंस हो सकते हैं, पोलन के कुछ बेनिफिट्स हो सकते हैं, कुछ पोलन के लॉसेज भी हो सकते हैं। बेनिफिट्स की बात करें तो बेनिफिट्स तो हमें पता है, ये पोलिनेशन करवाते हैं, फ्रूट बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, जो हमारे एनवायरमेंट को स्टेबल रखने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और लॉस उसके क्या है, पोलन एलर्जिक भी होते हैं, बहुत सारे अलग अलग ब्रोंकियल डिजीज कॉज करते हैं, रेस्पिरेटरी जो डिजीज होते हैं वो कॉज करते हैं, अस्थमा लाइक जिनके प्रॉब्लम होती है उनको बहुत ज्यादा परेशान करते हैं ये लोग, ये जो पोलन होते हैं जब एंटर कर जाते हैं बॉडी के अंदर, उसके अलावा एलर्जिक रिएक्शन करवाते हैं। तो ये पोलन के कुछ लॉस और बेनिफिट्स है, वो आप पढ़ लेना। एंड इसको हम जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा उसके बारे में पोलन के जो डिजीज कौन कौन से पोलन कर सकता है उसके बारे में पूरा एक लेक्चर हम स्टडी करेंगे। उसके बाद हम बात करें पोलन की वायबिलिटी की, वायबिलिटी है कि पोलन कितने टाइम तक सर्वाइव कर सकता है। तो बहुत सारे पोलन है वो सिर्फ 30 मिनट तक ही सर्वाइव कर सकते हैं, जब रिलीज होने के बाद, मैच्योर होने के रिलीज होने के बाद क्या है, 30 मिनट तक ही सर्वाइव कर सकते हैं, और बहुत सारे पोलन काफी टाइम तक भी रह सकते हैं। वो डिपेंड करता है उनकी स्पीसीज के ऊपर। अगर आप जैसे -90, 196 डिग्री सेल्सियस के ऊपर लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर इनको स्टोर करके लंबे टाइम तक इनको स्टोर रख सकते हैं, जैसे बहुत सारे पोलन आपने सुना होगा तो स्पेस के अंदर भी स्टोर किए हुए हैं, वो इसलिए स्टोर किए हुए हैं कि अगर अर्थ पे कोई प्रॉब्लम आ जाए या अर्थ पे कभी भी मान लो सारी नेचर यहाँ की जो डिस्ट्रॉय हो जाए तो उसको दोबारा बनाने के लिए उन पोलन का यूज किया जाएगा। तो उसके अलावा पोलन का एक यूज हो रहा है, जो आजकल हम पोलन टेबलेट्स खाते हैं न्यूट्रिएंट्स देने के लिए। तो ये सारे हम एक पूरा लेक्चर पोलन के ऊपर हम अलग से इस चैप्टर को कंप्लीट होने के बाद बनाएंगे। आज आपने क्या करना है, पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर, उसकी लेयर के बारे में, उसमें जो सेल बनी है वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल, उनके बारे में स्टडी करना है। ओके गाइज, थैंक यू।